एग्रीगेशन न्यूज में हूं आपके साथ हृदय। बीते दिन राजद के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समीक्षा बैठक बुलाई और इस समीक्षा बैठक में राजद के तमाम विधायक और हारे हुए प्रत्याशी सहित आरजेडी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब इस समीक्षा बैठक के बाद जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जो है हमलावर हो रहा है राजद के इस समीक्षा बैठक को लेकर, और इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आरजेडी की समीक्षा बैठक पर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि राजद में अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है और चुनाव प्रचार या प्राकृतिक आपदा के समय उनका उपस्थित होना केवल राजनीतिक पर्यटन होता है, तो इन्हें अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को भी इन्हीं मानकों पर क्यों नहीं परखना चाहिए। तेजस्वी यादव भी चमकी बुखार, सीमांचल में बाढ़ और लॉकडाउन के समय बिहार से गायब रहे, लेकिन चुनाव के समय सक्रिय हो गए। तेजस्वी भी राहुल गांधी की तरह वंशवादी राजनीति के कारण सीनियर नेताओं को किनारे कर पार्टी पर थोपे गए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान लंबी छुट्टी पर जाकर अपना नॉन सीरियस रवैया जाहिर करते हैं। राजद को समीक्षा बैठक में सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने गिरेबान में झाड़ना चाहिए। तो आपने देखा, ट्वीट के माध्यम से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजद को अपने गिरेबान में झाड़ना चाहिए, समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होगा। वही आपको बता दें कि कल यानी कि बीते दिन ही 21 दिसंबर को राजद के प्रदेश कार्यालय में राजद ने तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में कल समीक्षा बैठक का आयोजन किया और इस दौरान राजद के तमाम विधायक और नेता कार्यकर्ता भी पार्टी के वहां मौजूद रहे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।